नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो इनकम टैक्स में नौकरी की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिसके अंतर्गत आप सभी का कोई भी रिटर्न एग्जाम होने वाला नहीं है। आप सभी बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर इस वैकेंसी के अंतर्गत सेलेक्ट किए जाएंगे और दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप सभी की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकाली गई न्यू एवं बम्पर वैकेंसी की यदि सबसे पहले हम सभी ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत चयनित होते हैं, तो आप सभी के लिए सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियाँ ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। और दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी की अप्लाई प्रोसेस पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही तरीके से इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। दोस्तों तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का एक पद देखने के लिए मिल जाएगा और प्राइवेट सेक्रेटरी के आप सभी के लिए तीन पद देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें इनकम टैक्स भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर चार पदों पर रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप सभी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बता दें सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए अधिकारी ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें केंद्रीय सचिवालय के सचिव और संबंधित क्षेत्र में समान योग्यता रखने वाले अधिकारी भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। और दोस्तों आप सभी के लिए बता दें निर्णायक प्राधिकारी कोर्ट का ट्रिब्यूनल में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती के अंतर्गत प्राथमिकता प्रोवाइड कराई जाएगी। अब दोस्तों यदि आप सभी प्राइवेट सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब में रिटायर अधिकारी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय के सचिव और स्टेनोग्राफर भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें के लिए भी आप सभी के पास इंग्लिश स्टेनोग्राफी की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 64 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि दोस्तों इस आयु सीमा में आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके पश्चात आपका इंटरव्यू होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप सभी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि आप सभी के लिए लेवल 7 और 8 के आधार पर वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए पर मंथ 25,300 से लेकर 34,800 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों यदि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है, आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 13 मई 2024 से कर दिया गया है और आप सभी 15 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अप्लाई करने का पता भी आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे। यदि आप सभी ऑफलाइन माध्यम के जरिए इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके रजिस्ट्रार अपीलीय न्यायाधिकरण सी विंग 4 मंजिल नोक नायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली में इस पते पर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का अप्लाई सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा।